रीमेक ही सही, लेकिन इसमें मजा तो आया। पुष्कर एंड गायत्री जी की विक्रम वेदा एक ऐसी फिल्म है जो ऑलरेडी तमिल में पहले ही बन चुकी थी। माधवन और विजय सेतुपति के रोल्स को यहाँ सैफ और ऋतिक ने प्ले किया है। इनिशियली इसको लेकर बज एक्चुअली बहुत ज्यादा था, लेकिन मेकर्स की तरफ से उसका लंबे टाइम तक कोई भी अपडेट नहीं आया। खुद फैंस को बोलना पड़ा कि भाई कुछ तो दिखाओ। इस बीच रिमेक्स को लेकर एक नेगेटिव माहौल भी बन गया। अब क्योंकि ये आ गई है तो इसमें आपको हिंदी मार्केट का वो पूरा मसाला मिलेगा जिसको साउथ में देखकर आपको मजा आता था। गुड एंड बैड के दो साइड्स के बीच में खड़े हमारे दोनों लीड्स अपनी अपनी सोच और लाइफ इंसिडेंट्स के अकॉर्डिंग डिसीजंस लेते हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब वो एक ही जगह खड़े हो जाते हैं जहां सवाल ये है कि क्या सही है और क्या गलत। विक्रम को वेदा अपनी कहानियां सुनाता है और एक बड़ी पिक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करता है जो विक्रम को दिखाई नहीं दे रही थी। बीच में कई सारे कैरेक्टर्स हैं जिनके साथ विक्रम और वेदा की कहानी भी आगे बढ़ती रहती है। इसके बाद जब मूवी का क्लाइमैक्स आता है तो वो सच और झूठ, राइट और रॉन्ग की लकीर को मिटा देता है। अब मैंने आपको कहानी ऐसी इसलिए सुनाई ताकि आपको कोई स्पॉइलर ना मिले, क्योंकि विक्रम वेधा का ओरिजिनल वर्जन अभी तक बहुत से लोगों ने नहीं देखा है। मगर ये फिल्म बेच कौन रहा है? एक ही सुपरस्टार, ऋतिक रोशन। ऋतिक के वेधा का कैरेक्टर पूरी फिल्म में 15 साल का सफर तय करता है। इस बीच उनके लुक्स में भी अंतर साफ नजर आता है। स्टोरी अडॉप्टेशन भी परफेक्टली नॉर्थ के मार्केट के अकॉर्डिंग ही की गई है। फिर भी एक चीज जो इस फिल्म में निखर कर आती है वो ऋतिक रोशन ही है। फिल्म की कहानी में दम है और हिंदी वाली पब्लिक इसके पूरे मजे लेगी। मगर इस फिल्म के सामने सबसे बड़ा रोड़ा ही ये फिल्म खुद है, क्योंकि ये एक रीमेक है। अब रीमेक का सीधा सा फंडा होता है नए पैकेट में पुराने माल को बेचना, ताकि उसके लेबल को देखकर ऑडियंस उसे खरीद ले। इस केस में वो लेबल ऋतिक रोशन है। उस बंदे की स्क्रीन प्रेजेंस ही लाजवाब है, लेकिन भाई कितना भी महंगा लेबल लगा लो, एंड में प्रोडक्ट बाजार में ही बेचना होता है, जहां रीमेक्स को लेकर मार्केट डाउन है। अब हर रीमेक खराब हो ये जरूरी नहीं है। मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि जब तक हमको ये मालूम नहीं था कि कोई फिल्म एक रीमेक है, हमने उसको ना सिर्फ थिएटर में जाकर देखा बल्कि तारीफें भी की हैं। सबसे बड़ा एग्जांपल भूल भुलैया 1 को ले लो। आज तक उसको देखकर तुम हंसते हो, जबकि तुमको आज मालूम है कि वो एक रीमेक है। तो आज क्या दिक्कत हो गई? बस एक दिक्कत कि अब तुमको रीमेक बनने से पहले उसका पता चल जाता है। इंटरनेट पे कुछ ट्वीट्स देख लेते हो और इन्फ्लुएंस हो जाते हो। विक्रम वेदा एक ऐसी जेन्युइन रीमेक है जो मजा देती है। मेरे को केवल उसमें ही इंटरेस्ट है। थिएटर जाओ, मस्त टाइम पास हो जाए, ऑडियंस कुछ मास सीन्स पर हूट करे, और क्या ही चाहिए। 3 घंटा आदमी अपनी प्रॉब्लम्स भुलाकर एंजॉय करने जाता है, और ये वो एंजॉयमेंट देती है। बैकग्राउंड म्यूजिक के तो क्या ही कहने, ऊपर से ऋतिक का प्रेजेंस ही काफी है। एंड में बस यही कहना चाहूंगा कि किसी भी फिल्म को देखे बिना जज नहीं करना चाहिए कि वो अच्छी है या बुरी। ट्रेलर थोड़ा बहुत प्रोडक्ट के बारे में बता ही देता है। इस फिल्म में वो मास एंटरटेनमेंट है जो हमको चाहिए, रीमेक इसको कहते हैं। बाकी आपको कुछ भी इस फिल्म के बारे में कहना हो तो YouTube पर वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन होता है, इसमें बता देना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी हमारे चैनल पर बाकी वीडियोस भी हैं, उनको देखना मत भूलना। हम आपको Instagram और Twitter पर भी मिल जाएंगे। हमारे रिव्यू सबसे पहले वहीं आते हैं, तो प्लीज हमको फॉलो करें। टिल देन, दिस इज बज पायलट साइनिंग आउट।